और राजधानी पटना में पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। घटिया इलाज की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पटना के पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भारत सरकार की यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 महीने के लिए हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अब वहां ना जाएं ऐसा कहा गया है और जो भर्ती हैं उन्हें निश्चित समय तक इलाज जारी रखते हुए डिस्चार्ज करना होगा। तो ये बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल करके आ रही है, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। पारस हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और अब उन शिकायतों के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 महीने के लिए इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया गया है। पटना में पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 महीने के लिए हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया गया है और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं अब वहां पर नहीं जाएंगे, यह भी कहा गया है। बड़ी खबर पारस हॉस्पिटल के अगेंस्ट ये बड़ी कार्रवाई। लगातार शिकायतें मिल रही थी और उन शिकायतों के आधार पर भारत सरकार की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 महीने के लिए इम्पैनलमेंट पारस हॉस्पिटल का रद्द कर दिया गया है। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और बड़ी कार्रवाई करते हुए पारस हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट जो है वो रद्द कर दिया है। 6 महीने के लिए हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट रद्द किया गया है। भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थी यानी कि आयुष्मान भारत योजना के जो लाभार्थी हैं अब वो वहां पर ना जाएं, ये भी बताया गया है। और जो भर्ती हैं वहां पर फिलहाल उन्हें निश्चित समय तक इलाज जारी रखते हुए डिस्चार्ज करने का भी आदेश दिया गया है। सोलह अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया पहुंच रहे हैं। गया के गांधी मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गया के गांधी मैदान में भव्य पंडाल भी बनाया जा रहा है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने 1 लाख से भी ज्यादा लोग गया के गांधी मैदान पहुंचेंगे। पीएम गया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश के सर्वमान्य नेता, देश ही नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता का आगमन 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे गया के गांधी मैदान में होने जा रहा है और यहाँ की जनता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए लाखों लाख की संख्या में 16 तारीख को गांधी मैदान पहुँचने वाले हैं। वो उस दिन जन सैलाब उमड़ने वाला है। आने जो भी जी व्यवस्था में देख ही रहे हैं कि इतने पंडाल बन रहे हैं, प्लस हमारे कार्यकर्ता आने वाले लोगों के लिए जगह जगह पे पानी की व्यवस्था है, उनके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। गर्मी का दिन है तो हम लोगों ने मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की है, प्लस अपने जो भी बेहतर व्यवस्था हो सके हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि समय हम लोगों को कम मिला था। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होने में विलम्ब हो रहा था तो हम लोग पहुँचेंगे प्रधानमंत्री, ये अब स्टेज पर 9:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाएगा। 16 अप्रैल को सुबह दिन में 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। उसमें एनडीए के 5 बड़े नेता, सारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी और बिहार के और बड़े बड़े नेताओं का आगमन होने जा रहा है। साथ में केंद्रीय नेता भी आएंगे। प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर बनने के बाद गया में, गया की धरती पर, बुद्ध की धरती पर पहला बार आगमन होगा और उसी में
उसी के बाद प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए मगध प्रमंडल से, मतलब चारों जिला से लाखों की संख्या में उनको इस तरह से पंडाल बनता है। तो उधर कन्हैया कुमार को उत्तरी दिल्ली में से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए जाने पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस बिना लालू यादव के अनुमति के ना तो राजनीतिक रूप से कराहती और ना ही मुस्कुराती है। लालू यादव पुत्र प्रेम में डूबे हैं। गत चुनाव में बिहार में उसी कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद ने प्रत्याशी दिया है और इस बार पप्पू यादव को कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने दिया। कारण, उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। स्वाभाविक है, माननीय लालू प्रसाद जी की जो राजनीति में अपने पुत्र के लिए प्रेम, तो माननीय पप्पू यादव जी को कांग्रेस में शामिल होने के पूर्व उनसे मिल लेते हैं, लेकिन टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है, क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने एनडीए के लालू यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने वाले बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत खराब है, पहले वो बिहार की जनता से लड़ ले और लालू के बेटे बेटी से, उसके बाद जब लालू निकलेंगे तो सबका मटिया गुल हो जाएगा। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। आप लगातार घूम रही हैं, जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है, लोग इतना झांसा दिया, लोग 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई इतना महंगाई बढ़ो 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। जो जनता का पहले सामना कीजिए ना, जनता का मुद्दा उठाइए। मतलब प्रधानमंत्री जी बीजेपी के मैनिफेस्टो से सब गायब हो गया, बेरोजगारी महंगाई उस पर तो उन लोग कुछ बोल नहीं रहा है, बस इनको बस खाली लालू परिवार को घेरना है। हाँ, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं कि कहीं से भी कुछ इनको मिल जाए, कोई भी शब्द इधर से उधर हो जाए, ताकि ये अपना दुकान चलाए गोटी मीडिया का नाम ले लेकर के। जनता का मूड क्या लग रहा है? लगातार क्षेत्र में जा रही है जनता, इस बार पूरा खाली का है। जो झूठा वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किए। हाँ, इतना दो मतलब 10 साल से महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किया, लोग बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, उसके लिए 15-15 लाख जनता मांग रही है। तो आए हिसाब करें, एक जनता पहले मेरी जनता के सामने आकर के अपना बताएं, उनको जो वादा किया क्यों नहीं पूरा किया, किसने रोका है उनको पूरा करने से। एक दिन में प्रधानमंत्री की 2-2 रैली हो रही है 16 तारीख को, कैसे देखती है? अभी तो एक दिन में तो पूरा जितना भी मतलब कि इनका ये है, हेलीकॉप्टर देखेगा ना, नाचेगा पूरा बिहार में। अभी लोग सब डरे हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी पे महंगाई पे बोलने के लिए, इसलिए बस खाली। तो उधर देवराज के उच्च कन्या विद्यालय में ईद समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कन्या उच्च विद्यालय बगही में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने ईद मिलन समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख शंभू तिवारी, जिला पार्षद प्रतिनिधि आशुतोष मल और राजद नेता साजिद हुसैन समारोह में पहुंचे। वहीं मुख्य अतिथि शंभू तिवारी ने लोगों से अपील की कि लोगों ने अपने बच्चों को तालीम अवश्य दें और वक्ताओं ने बच्चों के शिक्षा हेतु आगे बढ़ने और विद्यालय के विकास में सहयोग करने की भी बात कही। विद्यालय परिवार के तरफ से बहादुर हसन मैथमेटिक्स के हैं, ये लौरिया से ये बहाल हुए हैं,
तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी के जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि पार्टी आरएसएस के लोगों को टिकट दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे पर पार्टी में कारोबारीकरण चल रहा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आरजेडी अभी नहीं छोड़ा हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी को अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा भी काम चल जाएगा। भी दिया जाए जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे क्योंकि समाजवादी धरती है। मेरा वो कर्म भूमि है और मेरा यह जन्मभूमि है झंझारपुर। और ऐसे ही नहीं, वाल्मीकि नगर को देख लीजिए, जो कार्यकर्ता मान लीजिए जो कार्यकर्ता 20-20 वर्ष से 15-15 वर्ष से 30-30 वर्ष से पार्टी में काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता का क्या होगा, उस समर्पित नेता का क्या होगा जो सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता का नारा देकर झंडा उठाते रहा है आरजेडी का। इसीलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। आगे हम आपको बताएंगे, आगे की जो रणनीति होगी वो आगे हम बताएंगे, जल्द ही बताएंगे। आरजेडी आपने छोड़ दिया? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं पार्टी के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं पार्टी छोड़ा नहीं है। पार्टी को यदि हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बगैर यह पार्टी चल जाएगी तो हमको भी काम चल जाएगा बगैर पार्टी के। भी दिया जाए।